Ela assim. मैं हूँ मतलब ओल्ड बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ मैं इस साइड से। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। दिस इज योर होस्ट राज। सुबह सुबह बिस्तर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ व्लॉगिंग। राइट नाउ आई एम इन शिमला है, इस वक्त मैं हूँ शिमला में। तो कल मैं पहुँचा शिमला, तो एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कह सकते हैं, मेरे भाई कह सकते हैं, कॉलेज जूनियर बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे इन्विटेशन थे। उनमें से मैंने एक इन्विटेशन यहाँ पे एक्सेप्ट किया और उसी हिसाब से मैं यहाँ पे चला आया। तो अभी फ़िलहाल 10 बज चुका है और मैं पूरा अच्छी तरह से नींद मतलब पूरी करके अभी उठूँगा और उसके बाद शिमला के मतलब जितना हो सके कुछ कुछ किस्सा आप सभी के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि इससे पहले मैं कई बार आ चुका हूँ, बिकॉज मैं पास में ही था पहले कुछ साल पहले। तो जितना हो सके शिमला मतलब इतने सालों के बाद आके फिर से बहुत ही अच्छा लग रहा है। पैंडेमिक के बाद अभी धीरे धीरे वो टूरिज्म बूस्ट अप हो रहा है, तो होपफुली आप लोग भी आ सकते हो। तो उसी हिसाब से आप सभी के साथ कुछ ना कुछ तो शेयर करेंगे। और ठंड तो यार बहुत हो रहा है, अभी नवंबर में भी इतना ठंड है, तो होपफुली यू विल एंजॉय इट। कुछ ना कुछ तो किस्सा आप सभी के साथ शेयर करूँ। सिक्किम से आज हमारे लिए बना रहे ब्रेड अमृत, और ये दुगुन हो गया बड़ा छोटा भाई। इतना सा था जब मैं इसे मिला था, इतना बड़ा हो गया। तो मेरे लिए अभी आ चुका है खाना। तो ये शिमला की वादियों में से, और यहाँ पे हीटर लगा के रखा हूँ। यार क्या बोलूँ यार, इतना ठंड है ना। तो लेट्स फिनिश द ब्रेड ऑमलेट फर्स्ट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना डे। शायद इन दोनों को ऑफिस जाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, देन मैं अकेले चला जाऊँगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो लेट्स फिनिश शिमला। अरे यार बहुत दिनों के बाद वैसे चल ही नहीं जा रहा यार। मैं एक्चुअली बहुत दिनों के बाद आया ना इस साइड में, तो एक्चुअली हो गया क्या, उसी लिए बस चढ़ा था लेकिन गलत जगह पे उतर गया। फिलहाल मैं पैदल जा रहा हूँ ओल्ड बस स्टैंड, पहुँच जाएंगे और बीच में अगर गाड़ी वगैरह कुछ मिल जाएगा होपफुली वो भी लेके आगे चल जाएंगे। मैं हूँ मतलब ओल्ड बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ मैं इस साइड से। मैं साला मेरा GoPro काम ही नहीं कर रहा है, तो फिलहाल मैं इस वक्त जा रहा हूँ ओल्ड बस स्टैंड की तरफ। और यू कैन सी द अमेजिंग ब्यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, और यू कैन से शिमला। चलो इधर से निकलते हैं। सभी मौके अच्छे से उठ साइड से निकल जाएंगे ना। ब्रिज भी कहते हैं इसे, दैट्स द लाइब्रेरी। और सॉरी वो चार्ज हो गया, यहाँ पे वो स्टेट लाइब्रेरी है वहाँ का, इंदिरा गांधी का स्टेचू। यहाँ पे बापू भी उधर है, दिखा देते हैं। चलो तो आप देख सकते हो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिमाचल एंड शिमला। हेलो हिमाचल, हेलो शिमला। यहाँ पे लोग एक्चुअली फोटोशूट के लिए आते हैं ज़्यादा। चल इधर से दिखा देता कैप्चिंग। ये हो गया हिमाचल प्रदेश स्टेट लाइब्रेरी, फ्रॉम फील से दिखाता हूँ। मैं भी फोटोग्राफी नॉट अलाउ हो सकती है। दिस इज द स्टेट लाइब्रेरी, साइड में चर्च। आप देख सकते हो जितनी बार मैं आया हूँ मतलब शिमला में,
ये कभी भी खुला नहीं है आज तक। आज भी ताला लगा हुआ, वैसे कोविड तो है। देख मेरे को कंपनी देने वाला बंदा कितने बजे आ रहा है, अभी टाइम लिखा था। रुक, आ तो गया, आ तो गया। देख अरे धूप के कारण नहीं, आ तो गया। तीन बज गया, तीन नहीं बजा रहा, तीन बज गया। तो फिर क्या खिलाएगा अभी बोल? अभी तीन बजने को आधा घंटा है, आधा घंटा है तो ढाई बजे पहुंचा। क्या खिलाएगा आज? चले कहाँ चले, कहाँ चले? चलते इस तरफ। क्या खिलाएगा आज? खा लेते यहाँ का। बता दे तू हिमाचली है, इसके बारे में थोड़ा। तो आप लोग वहाँ ऊपर देख सकते हो, जैसे झाको टेम्पल जाना चाह, झाको नहीं जा पाएंगे यार। क्यों? भगवान हनुमान जी का वहाँ पे बहुत बड़ा एक मूर्ति है। अभी वहाँ पे रोपवे भी कनेक्शन हो चुका है, जैसे चर्च साइड में लाइब्रेरी, दिस इज द मॉल रोड। जाएगा? हेलो चलना है ना यार। हेलो हाँ, वैसे नहीं हो तो। फाइनली तीनों बंदे आ चुके हैं, हेम सिंह फ्रॉम हिमाचल पहुँचा, हम लोग का सिक्किम वाला भाई विशाल और गुगुन फ्रॉम मणिपुर। तो दिस इज द क्रेश चार्ज, यहाँ पे लाइब्रेरी, यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है शायद। कुछ टाइम हम लोग बिताएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से करेंगे टाटा भाई पे। फिर नेक्स्ट प्लान क्या सोच रहे हो? क्या जाना है? डेंगू जाना है। अरे डेंगू माटा चल, देखते हैं। टाइम भी आज इतना है नहीं है, क्योंकि ठंड बहुत जल्दी आ जाती है ना, तो ठंड के लिए कपड़े नहीं लाए। अरे लाए है, गरीबों कपड़े लेके आए यार। रिच मैन पूर है, दिस इज द डायलॉग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिच में हम लोग का नेशनल फ्लैग, और यहाँ पे एक नया मूर्ति बनाया है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उस साइड में बढ़िया है। दिस इज द मॉल रोड। चलते हैं कहीं खाने पीने का ढूंढ लेते हैं। हेलो हिमाचल, हेलो शिमला, छोटा रहा। तूने कभी चढ़ा है घोड़े? मैं नहीं चढ़ना, आप भी चढ़ना है? मैं यार कभी कई बार चढ़ा हूँ, अच्छा नहीं लगता इसलिए। विशाल विशाल बैठेगा तो अच्छा रहेगा ना? मत करो, मत बिठाओ, मर जाएगा। यू आर फाइन, एवरी पीपल कंटेन्स देयर ओन ट्रेडिशन। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोल आने दे यार, क्या दिक्कत है? हेलो ब्रदर, बुला रहा है तेरे को? जा 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 यार, जा चल चल चल। गुगुन के तरह है, गुगुन का छोटा भाई। ठंड लगता है ना, इसीलिए नया मतलब वो खरीदा है अपने जंपर। जमा नीचे खड़ा मैगी। अब हम जाएंगे। पूर गाय, ओ माय गॉड, रिच मैन पूर गाय। दो दिन बाद ये हलाल होने वाला है। चल हाँ, बस दो ही दिन अभी है टाइम। चल कोई नहीं, जी ने दो हलाल होने से पहले भी हम अब जाएंगे यहाँ से स्कैंडल पॉइंट, तब वहाँ से टर्न करेंगे, यूं घूमेंगे, यूं घूमेंगे, यूं घूमेंगे, यूं जाएंगे। यूं घूम के क्या करेगा थे? यहाँ पे अच्छा रहेगा यार। आज भैया हमें खिलाएंगे लोकल वाला हॉट डॉग शिमला में, वो भी कुत्ता नहीं है। अरे वो वाला कुत्ता वाला हॉट डॉग नहीं है, चलो टिक्की के साथ आराम से बनाएंगे। ये क्या भैया? छट्टी मिनट चटनी, ये हरी चटनी, ये हो गया आपका ऑयल, अच्छा प्याज के साथ। चलो भैया आराम से खिलाओ।